आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सुशासन, जहां योगी सरकार की डंका बजती है सुशासन के नाम पर। वहीं एक बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही नरेश पाल गुप्ता 60 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। उनका 10 बीघा जमीन अनिल प्रताप सिंह राणा गुंडई के दम पर हड़प लिया और वह वहां पे प्लाटिंग कर रहा है, लेकिन बरेली फरीदपुर तहसील का कोई भी कर्मचारी उस पर नज़र नहीं रख पा रहा है। ये और लगातार नरेश पाल गुप्ता की आवाज़ योगी आदित्यनाथ से छिपाई जा रही है। ये बहुत बड़ी वारदात बरेली में हो सकती है, हो सकता है उस बुजुर्ग की मृत्यु। लेकिन आप देखिए क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता। हमारे लड़कों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में संक्रमणीय भूमि है। उस भूमि पर वहाँ का एक भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा अपने संगठित गिरोहों द्वारा तहसील फरीदपुर के पुलिस प्रशासन की साठगांठ मिली भगत, अवैध कब्जा, अवैध बिक्री एवं अवैध निर्माण कर रहा है। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 25/12/2017 एवं 25/2/2018 को शिकायती प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। उसी समय अन्य भी जनप्रतिनिधि एवं अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उस समय हमारी जमीन बिल्कुल खाली थी। उस जमीन पर उस भूमाफिया के संगठित गिरोह द्वारा थोड़े दिन के बाद अवैध निर्माण शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी दिनांक 2/3/2018 एवं कई अन्य शिकायती प्रार्थना पत्र लखनऊ जाकर जनता दरबार में। इसके अलावा तहसील फरीदपुर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजेश प्रसाद गवर्नर साहब एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, हर जगह शिकायती प्रार्थना पर दिए, लेकिन हमें कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। मजबूरन दिनांक 22/12/2020 से आज हमें 2 महीने हो गए हैं, मैं परिवार के अंतर पर बैठे हुए हैं, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। इसमें हमारा एक ज्ञापन है, ज्ञापन में हमारी 5 मांगे हैं जो कि जायज है, सत्य है। पहली मांग है भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा के संगठित गिरोह द्वारा अवैध की कब्जा की गई हमारे लड़कों की संक्रमणीय भूमि को तुरंत उससे जलाया जाए। दूसरी मांग है इस जमीन को कब्जाने के उद्देश्य से हम पर अपने गिरोहबंद नौकर हैं, उसमें और गिरोहबंद साथी हैं एवं अन्य अधिकारियों की मिलीभगत साठगांठ से हम पर फर्जी मुकदमे लिखवाकर हमारे ऊपर गैंगस्टर तक लगाई गई, वो मुकदमे वापिस लिए जाएं। तीसरी मांग है कि भूमाफिया के संगठित गुरु द्वारा जो जानलेवा हमला एवं रंगदारी और ये अवैध रूप से बेची गई जमीन के जो मुकदमे हैं उन पर अतिशीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई कर भूमाफिया प्रताप राणा को जेल भेजा जाए। मांग है हमारी एक इस प्रकरण में जो भूमाफिया का संगठित गिरोह वो तो जमीन पर अवैध कब्जा कर ही रहा है, लेकिन इस अवैध कब्जा करने के पर्पज से हमें हर तरह से प्रताड़ित, हम पर जानलेवा हमला, हम पर फर्जी मुकदमे और गैंगस्टर तक की कार्रवाई, इसमें कुछ संबंधित अधिकारी जो कि प्रजातंत्र में प्रजा के लिए हैं, सरकार से तनख्वाह पाते हैं, उन अधिकारियों द्वारा उस अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, प्रजा से तनख्वाह लेते हुए या सरकार की तनख्वाह लेते हुए और प्रजा को ही प्रताड़ित मान लिए, हमारे लिए ही हर तरह से प्रताड़ित करके गैंगस्टर एवं हर तरह से पीड़ित किया गया। तो इसमें माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी से सरबत हाथ जोड़कर मैं परिवार प्रार्थना है, क्योंकि वो न्याय प्रिय है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है
और उनसे हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाने के लिए जरूर इसमें सीबीआई जांच कराकर जो दोषी व्यक्ति है चाहे उसमें मेरा भी कहीं दोष हो तो मुझे पहले सबसे सजा मुझे दी जाए, और मैं निर्दोष हूँ तो मेरे लड़कों की जमीन व मेरी जमीन भूमाफिया के सिलसिले मुक्त कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी जो सजा हो सके वो सजा दी जाए।